हेलो हेलो, गुड मॉर्निंग। आज दोनों बच्चों लोगों का डिमांड पर हम लोग चले, हम लोग जा रहे हैं मंदिर। आप लोगों को भी माता रंकिणी का दर्शन करवाएंगे। और चलिए आगे हम लोग जादूगोला, नरवा जादूगोला जो है, जहाँ माता रंकिणी का मंदिर है, वहाँ दर्शन करवाएंगे। आज बच्चों का मन था, हाँ बच्चों का मन था, पापा का जन्मदिन है और सारे लोग मंदिर दर्शन करने चलेंगे। चलिए फिर मिलते हैं आगे। जय माता। आप लोगों को बहुत सारा जो है दृश्य देखने को मिलेगा। हम लोग अभी चले हैं, जमशेदपुर के अंदर ही हैं, मगर बाहर आप लोगों को बहुत सारी चीजें देखने को मिलेंगी। बने रहिए। दोस्तों हम लोग करंडी पार कर रहे हैं ना, करंडी पार कर रहे हैं, सुंदर नगर आने वाला है। हम लोग थोड़ा डीजल भी ले लें अपने गाड़ी में, इसके बाद अब हम लोग चलेंगे माँ रंकिणी के दरबार। यहाँ तो काफी लाइन लगा है, आगे में चले क्या? दोस्तों 20 किलोमीटर और यहाँ से चलना है जादूगोला, हम लोग पहुँच जाएंगे। हमारा जादूगोला, नरवा जादूगोला जो है, जगह स्थान का नाम जादूगोला नर, जहाँ माता रंकिणी देवी का मंदिर है। और ये बहुत प्राचीन मंदिर है, मान्यता है यहाँ 5 पांडव जो है वन प्रवास के दौरान ठहरे थे। चलिए फिर आगे मिलते हैं। हमारा रैफ का परेड ग्राउंड है और ये 2-3 कैंप हमें रास्ते में मिलेंगे। पहला कैंप है, आगे और 2 मिलना है अभी। और ये बहुत व्यस्ततम रोड है, मुशावनी जादूगोड़ा जो रोड है, इससे घाटशिला मुशावनी कनेक्ट होता है। और ये ट्रैफिक के लिहाज से भी बहुत ही व्यस्ततम सड़क है, ग्रामीण क्षेत्रों के साथ ये जो है ग्रामीणों के लिए बहुत ही उपयोगी है। और ये सड़क यातायात के लिए भी बहुत व्यस्त है। ये दूसरा छावनी जो है आप सामने देख पा रहे हैं, हम लोग दूसरा रैफ की छावनी पर 106 बटालियन जो कहते हैं, हम लोग आ गए हैं। कैंप एरिया है, यहाँ आराम से चलना है, स्पीड लिमिट भी है। और अभी सुबह का समय है तो ग्रामीण जो है अपने क्षेत्रों में जो है अपने कार्य के लिए जो है रोड पर ट्रैफिक इस लिहाज से ज़्यादा देखने को मिलता है, कार्यों में व्यस्त हैं लोग। और हम लोग भी धीरे धीरे अपने मंजिल की ओर बढ़ रहे हैं। आपको जितना संभव हो सकता है दिखाने का प्रयास कर रहे हैं, कुछ दिक्कतें आ रही हैं। ये हमारा माउंटिंग स्टैंड जो है ये हिल रहा है, जिस वजह से आपको व्यू में परेशानी हो रहा है, बट इसको प्रयास कर रहा हूँ ठीक हो जाए। ये एक और छावनी पार हुई और एक छावनी और आगे अभी आ रही है, आप ध्यान दीजिएगा। कोशिश करूंगा कि आपको सारा नज़ारा, सारा व्यूज़
दिखा सकूं और आपको घर बैठे वो मज़ा दिला सकूं। और ये हमारा ग्रामीण प्रवेश बहुत सुंदर, बहुत ही साफ सुथरा और इनकी ज़िंदगी जो है शहरों की अपेक्षा काफ़ी शांति और सुकून भरी होती है, ये बताने की आवश्यकता नहीं है। चलिए आगे आपको फिर मैं दिखाता हूँ। ये सर सभी हम लोगों ने जो है कहा था कि रैफ का तीसरा कैंप है ये, और ये आखिरी कैंप भी पार हो गया और हम सब अपने नरवा जादूगोड़ा रूट पर माता देवी के मंदिर की ओर जो है प्रस्थान कर रहे हैं। कुछ वक्त लगेगा मगर आपको माँ देवी के दर्शन जरूर करवाऊंगा। ये हमारा जो है जादूगोड़ा नरवा, उनका नज़ारा है, उस रोड का नज़ारा है। ले लिया है हम लोगों ने दोस्तों, पहला हम लोगों ने पेट्रोल पंप पर गाड़ी खड़ा किया था, वहाँ भीड़ बहुत ज़्यादा होने की वजह से हम लोगों ने वहाँ डीजल नहीं भरवाया। हम लोगों ने डीजल ऑलरेडी अपने टाटा इंडिका विस्टा में डीजल ले लिया है और वापस से हम अपने सफर पर बहुत सादे होते हैं मगर इनका लाइफ स्टाइल बहुत अच्छा होता है हम शहरियों की अपेक्षा। और ये देखिए हमारे यहाँ एक नया ब्रिज जो है ये बन रहा है, अभी निर्माण कार्य इसका लगभग हो चला है और हम लोगों का ये पुराना सड़क है, ये हम लोग सालों से इस सड़क से आते जाते रहे हैं। अब ये ब्रिज होगा, इसके नीचे से ये कनाल है पार हो रही है, चांडिल से आ रहा है, एक बार चंडी से एक कनाल आ रहा है और ऊपर ऊपर अब हम लोग इस पर जो है ब्रिज से पार करेंगे। हाँ
ज्यादा ठंडा लग रहा है, ये एक भी चल रहा है यार, हम नहीं तेज करना चाह रहे हैं। पलास का फूल कितना भरा हुआ है इधर, स्टेडियम कॉर्पोरेशन सुंदर पेंट किया हुआ येलो से पिंक से पीछे इनका घर, इनका लाइफ, इनका लाइफ जो है लाइफ एक शादी की बहुत अच्छा लगता है देखने से। दोस्तों आप लोगों ने सुना होगा यूरेनियम कॉर्पोरेशन, ये जो है यूरेनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जो है हमारा एक जमशेदपुर में इस इकाई है जो नरवा जादूगोला में जाना जाता है। अभी ये गेट आने का है, ये गेट है यूशियल यूरेनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, ये अभी पार हुआ जो, और ये आप बताने की आवश्यकता नहीं है कि यूरेनियम जो है हमारे यहाँ जमशेदपुर के जादूगोला में पाया जाता है। और ये हमारा ब्रिज आ गया, नरवा ब्रिज, और ये पिकनिक और पर्यटन स्थल के लिहाज से भी लोग दूर दूर से घूमने आते हैं और पिकनिक के लिए भी यहाँ काफ़ी लोग इसको जो है घूमना चाहते हैं। पहाड़ भांगा एक दृश्य है यहाँ से, बहुत सुंदर जल झरना पहाड़, मुसाबनी जादूगोला कनेक्ट करने के लिए। और ये पेड़ों पर जो है फूल देख सकते हैं, इतना खूबसूरत सा जो है नजारा ये।
करना चाहिए गरीब लोग, गरीब नहीं उनका सामान जो है ना ये बाजार में नहीं बेटा पाएगा, नहीं मिलता है ये सब सामान, स्टोर वाला मिल जाएगा। हाँ ये लोग देसी कांच का बगान का अपना लेके बेचता है, तो अमरुद दिख गया ना तो जरूर ले ले। जाइए आपको पास दे रहे हैं क्रेटा भाई साहब, परेशान है जाइए आप। जाइए जादूगोड़ा हमारा गोलचक्कर, आगे राइट टर्न हमारा जादूगोड़ा गोलचक्कर पहुंच चुके हैं हम लोग, और राइट टर्न लेकर हम लोगों को जो है फिर से राइट लेना है और मंदिर की ओर हमारा जो है मुड़ जाना है। ये आगे से रास्ता राइट की ओर जो है मुड़ी है और एक लेफ्ट ये दाहिना मुड़ना है हम लोगों को। हम लोग मंदिर पहुँच चुके हैं, बस करीब में ही मंदिर है। तो पूजा करवा कर के आ रहे हैं सब गाड़ी को। वापसी में लेते हैं, यहाँ काफ़ी कुछ मिलेगा और अच्छा अच्छा बहुत सारा सब्जी है, बहुत सारा चीज़ यहाँ से जो है जो मिलेगा वो बाज़ार में इस क्वालिटी का तो नहीं, रेट का नहीं मिलता है। का यहाँ से 15 किलोमीटर हाथा 22 किलोमीटर चाईबासा 64 किलोमीटर, और ये यूसीएल का डंपिंग यार्ड है इधर। सड़क जो है निर्माण हो गया है, क्योंकि पुरानी सड़क जो है मंदिर की ओर से ही जाया करती थी, जिसमें भारी वाहनों और काफ़ी यातायात का लोड हुआ करता था,
जिसमें नया जो है सड़क फिर से बनाया गया और वो बाईपास मंदिर को करते हुए बगल से जो है गुजरती है, जो हाथा पोटका होता हुए चाईबासा की ओर निकल जाती है, वो सड़क आपको देखने को मिलेगा आगे। और पुरानी सड़क मंदिर के लिए और श्रद्धालुओं के लिए जो है छोड़ दिया गया। दाहिने ओर हमारे जो है यह सड़क नया बना, पोटका हाता तिरिंग रायंगपुर चाईबासा बॉम्बे रोड को जोड़ती है यह। और यह सड़क पहले हमारा पुराना सड़क बाएं ओर जो है रंकनी माता मंदिर की ओर जो यह सड़क हुआ करती थी, जिसमें श्रद्धालुओं को बहुत परेशानी होती थी और दुर्घटना का आशंका बना रहता था। सफ़र बहुत बड़ा नहीं है, 25 से 27 किलोमीटर का सफ़र है, बट हम लोगों ने बहुत आराम से और बहुत मज़े लेते हुए जो है इसे पूरा किया है। यह वीडियो लंबा ना हो उसका ध्यान रखते हुए और हम लोग अंततः पहुंच ही गए हैं। ये हमारा माता रंकनी देवी का मंदिर हुआ। हम लोग जो है चलिए आगे आपको फिर दिखाता हूँ, माता का दर्शन कराता हूँ। सभी लोग माँ रंकनी के दर्शन करने के बाद पूजा करके फैल जाता है, कहाँ एक जगह समय नहीं है, उधर उधर चला जाता है यार, ट्रेन से बाहर निकल जाते हो सब उल्टा सीधा होकर के। दोस्तों ये प्राचीन मंदिर है हमारा, श्री माँ रंकनी देवी मंदिर। और ऐसी मान्यता है कि 5 पांडव जो वन प्रवास कर रहे थे तो उन्होंने भी जो है यहाँ वो ठहराव उनका यहाँ हुआ था। और ये बहुत पुराना सड़क है जो हमने बताया था, ये पुरानी सड़क है और इसके ठीक बगल में ये नई सड़क, ये है नई सड़क जो मंदिर।